जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां आपको बता दें जिला अस्पताल में एक एनकॉल का जन्म हुआ है और इसके साथ ही मरमेड के नाम से भी इसे जाना जाता है। आपको बता दें कि एनकॉल जन्म एक दुर्लभ घटना है और यहां पर एक बच्चा एमनियोटिक थैली के अंदर पैदा हुआ होता है और डॉक्टर संजीद काउसा और उनकी टीम ने सर्जिकल हस्तक्षेप के बाद 3 किलो वजन के साथ पूर्ण अवधि की सूचना दी और जहां सर्जरी के बाद माँ और बच्चा दोनों ही प्रसवोत्तर जटिलताओं के बिना अच्छा कर रहे हैं और कश्मीर के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने डॉक्टरों की टीम के लिए यहां पर अच्छे काम के लिए उनकी सराहना की है और बिना किसी जटिलता के साथ इस दुर्लभ सर्जरी को करने के लिए उन्हें बधाई भी दी है। बेसिकली ये जो हमारा ये यहाँ पर ये डिलीवरी हुई है, ये 9 नवंबर को एक्चुअली पेशेंट एडमिट हुआ है। तो उस दिन ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये एक बहुत केस रिपोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट है फॉर एकेडमिक पर्पसेस, फॉर ऑल गायनेकोलॉजिस्ट एंड फॉर ऑल हु आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सो एक चीज़ ये है, इसमें केस रिपोर्ट है, इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट। दूसरा ये है कि इसमें इट शोज एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्संस हु डिलीवर्ड द बेबी एंड सेफली बोथ मदर एंड चाइल्ड आर सेफ, हैं? बिकॉज दिस इज अ वेरी ये बहुत एक रेयर चीज है जो 1 into 80,000 इसमें इंसिडेंस है, मतलब 80,000 बर्थ्स में ऐसा एक बार हो सकता है।